लिए सर। मुबारक हो आपको आपका नया ट्रैक्टर। धन्यवाद, आखिर आ ही गया हमारा न्यू हॉलैंड। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ट्रैक्टर इंस्टॉलेशन की डेट हमेशा ट्रैक्टर की डिलीवरी के समय ही तय की जानी चाहिए। अच्छा सर, आपका ट्रैक्टर तो आ गया, तो इंस्टॉलेशन कब करा दूं सर इसकी? बस भेज दो, 2-3 दिन के अंदर चलेगा सर, जैसा आप चाहें। बधाई हो आपको, आपने पूरा साथ दिया, धन्यवाद। इंस्टॉलर को हमेशा जाने से पहले अपॉइंटमेंट कंफर्म करना चाहिए। हेलो, नमस्कार जी, रामपाल जी बोल रहे हैं, मैं न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी से बोल रहा हूं सर। सर आज आपके ट्रैक्टर का इंस्टॉलेशन करने आना है, तो क्या मैं आ जाऊं सर? अच्छा जी, ठीक है जी, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा जी। इंस्टॉलेशन हमेशा कस्टमर की साइट पर ही होना चाहिए और इसमें ओनर ऑपरेटर अवश्य उपस्थित होने चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं वर्धमान ट्रैक्टर पानीपत से आया हूँ। आपने न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर लिया है, इसके लिए धन्यवाद। और अभी जो इंस्टॉलेशन के लिए मैं आया हूँ, इसमें जैसे कि आपने ट्रैक्टर का रख रखाव कैसे रखना है, इम्प्लीमेंट्स को कैसे चलाना है, आपको हाइड्रोलिक के बारे में बताऊंगा। अब इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू करें। सबसे पहले जब आप सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑयल का डिपस्टिक है, इसको निकालेंगे और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम के 2 निशान हैं। अच्छा। आपका यहाँ टॉप अप पे ऑयल होना चाहिए, अगर यहाँ से ऑयल कम होता है तो आप डीलर महोदय से संपर्क करेंगे। मतलब ये रोज चेक करना है? हाँ जी, सुबह रोज। अच्छा ठीक। इसको फिर ऐसे लगा देंगे और इसको सुबह डीजल टॉप अप करके चलना है। हमारे फ्यूल टैंक के अंदर यहाँ पर हमने लॉक दिया है, यहाँ से ऐसे आप लॉक खोलेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे। ओपन करके आप सुबह रोजाना फ्यूल टैंक टॉप अप करेंगे। हाँ जी, और उसके बाद इसको ऐसे लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे। और ये उसके बाद ये जो प्री क्लीनर है, ये सुबह रोजाना साफ होना चाहिए। और रोटावेटर अगर आप चलाते हैं, थ्रेसर में चलाते हैं ट्रैक्टर को, तो इसको 2 घंटे में जब भी ट्रैक्टर रुकता है तो इसको यहाँ से खोल के और कपड़े से साफ कर देंगे। सर आप हमेशा गलत साइड से ही ऊपर बैठेंगे सर, फुटरेस्ट पे पैर रख के ऊपर बैठिए। हाँ जी बैठिए। हाँ जी, सर ये हमारा डिजिटल आवर मीटर है। सर ये हमारा फ्यूल मीटर का गेज है। सर जब इसमें रेड में सुई रहती है तो आपने फ्यूल टैंक को टॉप अप कराना है, जब ग्रीन में रहता है तो हमारा फ्यूल टॉप अप रहता है। सर ये आपका तापमान गेजेस मीटर है, जिसमें पानी गर्म होता है। अगर आपकी सुई बीच में रहती है तो आपका ट्रैक्टर बिल्कुल सही है, अगर आपकी सुई रेड में जाती है तो आपने डीलर महोदय से संपर्क करना है। सर ये हमारा हैंड थ्रोटल लीवर है, इसको हम खेत में फिक्स आरपीएम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा फुट एक्सीलेटर है, इसके इसको हम रोड पे इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है, यहाँ से आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। सर ये टर्निंग इंडिकेटर है, अगर आपको राइट तरफ मुड़ना है तो राइट की तरफ करेंगे, अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ना है तो लेफ्ट की तरफ करेंगे। सर ये हाई लो बीम का स्विच है ट्रैक्टर की हेडलाइट के लिए। सर ये एक बार करेंगे तो लो बीम, दूसरी बार करेंगे तो हाई बीम। ये आपका हॉर्न बटन है, ये आपके ट्रैक्टर की पार्किंग लाइट स्विच है। अगर आपने अपना ट्रैक्टर कहीं खड़ा किया है तो आपके ट्रैक्टर की पार्किंग लाइटें जल जाएंगी। ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये हमारा गियर लीवर है, इसमें लो हाई मीडियम 3 गियर हैं। सर ये हमारा साइड शिफ्ट गियर लीवर है, इसमें 1, 2, 3, 4 और रिवर्स गियर इस्तेमाल होता है। ये हमारा हाइड्रोलिक लीवर है, ये हमारा पीला लीवर है, पोजिशन कंट्रोल लीवर है। सर ये लाल लीवर है, ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है, ये एडजस्टेबल सीट है। इस लीवर के जरिए हम सीट को आगे और पीछे
एडजस्ट कर सकते हैं। कूलेंट रिकवरी बोतल है, यहाँ से इसको खोलेंगे। आप इसमें ये देखिए कोल्ड हॉट इसमें निशान लगे हुए हैं और मैक्सिमम मिनिमम भी। आप इसको यहाँ तक टॉप अप करेंगे अगर कम होता है तो। ये हमारे फ्यूल फिल्टर है, ये प्राइमरी फ्यूल फिल्टर है, ये सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर है, ये हमारे ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक फ्यूल फिल्टर है जो आपने सर्विस के टाइम पे चेंज करानी है। हाँ जी, ये हमारे ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर लगा हुआ है, यहाँ से आप पानी के ड्रॉप निकाल सकते हैं। ये टूल बॉक्स है सर, इसमें जो कंपनी से किट आता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ये ग्रीस गन है सर, जो कि अर्ली मॉर्निंग दो दिन में आप इसे ग्रीस कर सकते हैं। ये जो है सर टायर खोलने के लिए है, आप यहाँ पर ऐसे लगाएंगे जब आपका कभी पंचर वंचर हो जाए तो ये टायर खोलने के लिए सर। सर ये देखिए ये गाइड पिन है, ये जैसे कि ये बड़ा टायर है आपको कभी खोलना पड़ जाए पहले आप ये खोल लेंगे और इस चीज़ को इसके अंदर टाइट कर लेंगे सेफ्टी के लिए। आप बड़ा टायर खोलेंगे तो अकेला आदमी इसको यूज करने से खोल सकता है। सर ये टायर प्रेशर गेज है, जैसे कि आप हॉलेज में ट्रैक्टर को चलाते हैं या खेत में चलाते हैं तो हमारा टायर प्रेशर का डिकॉल भी लगा हुआ है ट्रैक्टर पे और ऐसे हवा चेक कर सकते हैं। सर ये हमारे ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी टो हिच लगा हुआ है, टू व्हील ट्राली चलाने के लिए आप पीटीओ के नीचे चलाएंगे, फोर व्हील ट्राली लगाने के लिए आप इसको ऊपर कर लेंगे, पोजीशन चेंज कर लेंगे, पलट के ऊपर कर लेंगे। सर ये प्लो लैंप है, इसको ऑन और ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। सर ये हमारी पीटीओ शाफ्ट है, यहाँ पर 540 पीटीओ आरपीएम मिलेंगे। सर ये टीपिंग ट्रॉली ऑक्सिलरी पाइप है। सर ये लिप्टोमेटिक बटन है, इसको ऊपर उठाने से इम्प्लीमेंट ऊपर जाता है, नीचे दबाने से इम्प्लीमेंट नीचे जाता है। सर ये सेंसिटिविटी नोब है, इसमें चार पोजीशन है सर, ऊपर से नीचे तक इससे सेंसिटिविटी सेट की जाती है। सर ये डीआरसी वाल है, ये इम्प्लीमेंट्स की नीचे गिरने की गति को कंट्रोल करती है। सर ये आइसोलेटर वाल है, ये हाइड्रोलिक ट्रॉली को उठाने का काम करता है। इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, जैसे हम ट्रैक्टर को किसी इम्प्लीमेंट्स में हिचिंग करते हैं तो हमने ट्रैक्टर को लो गियर में लेके आना है। लो गियर में लाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर वन पे लोअर लिंक लगाएंगे, नंबर टू पे लोअर लिंक लगाएंगे, अगर रोटावेटर लगा रहे हैं तो नंबर तीन पे शाफ्ट लगाएंगे, नंबर चार पे टॉप लिंक लगाएंगे। अगर इम्प्लीमेंट्स को हटाना है, अनहिचिंग करना है तो नंबर चार नंबर तीन पे शाफ्ट हटाएंगे और नंबर दो पे और नंबर एक पे आ जाएंगे। जैसे लगाया उसके उल्टा अनहिचिंग कर देंगे, वन टू थ्री फोर, फोर थ्री टू वन। हमेशा ग्राहक को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और टोल फ्री नंबर दें और ये भरोसा दिलाएं कि यदि उन्हें भविष्य में कोई जरूरत पड़ेगी तो आप हमेशा उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे।